आज के मुख्य अतिथि डॉक्टर मधुसूदन श्रीवास्तव जी का सिर्फ हम लोग के अभिभावक भी नहीं है, हम लोग जहाँ जहाँ प्रशासनिक शैक्षणिक गतिविधि जहाँ रुकावट हुई सबके पास जाके उन्होंने हेल्प लिया है और वापस सर फैल रखे। आज आप सबको सर पहली बार मालूम चला होगा कि सर NSS को लाने वाले बिहार के गुजरात में पहले प्रथम व्यक्ति है और हमारी है सरकार जिन्होंने पिछले बार के कार्यक्रम को देखते हुए और मैं और बिहार जल करता हूँ कि आप जब भी देखिए महाविद्यालय अग्रणी भूमिका में रहेगा, ऑलवेज आगे रहेगा और कार्यक्रम को और भी अच्छा और भी अच्छा करता रहेगा। सभी के लिए कार्य करते हैं और ये हमारा महाविद्यालय जो है शिक्षकों के लिए पढ़ाई होती है, हमारे यहाँ बच्चे जनरल स्टडी नहीं करते, शिक्षक बनते हैं, फिजिकल टीचर बनते हैं, तो ये सभी बच्चे इसमें इन्वॉल्व हो जाते हैं। और हमारी है हर महाविद्यालय से जो प्रतिक्रियाएं हैं, जो टीचर लोग आए हैं, जो हमें कोई कमी रह गई हो तो आप हमारे बच्चों को बता सकते हैं, चाहे लड़के हो लड़कियाँ हो सभी को मदद आगे के लिए आगे को भी कार्यक्रम सर देंगे कर देंगे, महाविद्यालय पीछे नहीं हटेगा, चाहे वो छोटा कार्यक्रम हो या कितना भी बड़ा कार्यक्रम। हम महाविद्यालय के पूरे टीम की ओर से बच्चों की ओर से सबको एश्योर करते हैं कि कोई कार्यक्रम हो और हम हमारी है ये राहुल जी का असीम जी का डेडिकेटेड है डिवोटेड इस कार्यक्रम के प्रति और हम आभारी हैं इनका डॉक्टर साहब का यहाँ के सिविल सर्जन साहब से ही आज यहाँ पर टीम डॉक्टर साहब ये एक्टोपोइट प्रोग्राम में गंगा नदी पानी भी बहुत बड़ा था जिसलिए हम लोग रोड पर किए थे, लेकिन इस बार ऊपर से इंस्ट्रक्शन आ रहे हैं इसी बिहार में डॉक्टर साहब बोले कि महाविद्यालय नहीं करना है, रोड पर बहुत रिस्क हो जाता है, कोई मानता नहीं है, कोई साइकिल जा रहा है, कोई गेट जा रहा है, बहुत हार्डल हुआ बोले क्योंकि कैंपस में ही पानी लग गया था। इस बार भगवान के आशीर्वाद से सब लोग के ये सपोर्ट से प्रोग्राम बहुत अच्छा रहा, सभी का तहे दिल से आभार हम ये करते हैं और आगे वेंडर से के दिशा निर्देश पर जो भी कार्यक्रम से हम लोग करने के लिए धन्यवाद। संस्था के नए प्राचार्य महोदय आज पहली बार देख रहा हूँ, उन्हें बड़ा अच्छा लगा, यहाँ संयुक्त सचिव मनीष जी मेरे अत्यंत ही प्रिय व्यक्ति और बिहार विश्वविद्यालय के राष्ट्रीय सेवा योजना NSS के कार्यक्रम पदाधिकारी और कौन सब नए मित्रों, अधिक लंबे अरसे पर NSS के कार्यक्रम में मैं हूँ। NSS को एकदम तारीख तो याद नहीं है लेकिन लगभग 45-50 साल पहले हम लोगों ने बिहार में शुरुआत की थी। उन दिनों में NSS कॉलेज में पढ़ाता और वहाँ के प्रिंसिपल ने मुझे बुलाया और कहा कि एक चिट्ठी आई है भारत सरकार से और उस चिट्ठी में क्या लिखा है कुछ समझ में नहीं आता है लेकिन बनारस में गांधी संग्रहालय में एक गांधी तो आपको शायद कुछ भाषण करना होगा बनारस में गांधी पर, इसी के लिए बुलाया है तो आप चले जाइए। मैं गया, विश्वविद्यालयों के प्रतिनिधि थे और उस प्रतिनिधियों को देख के शिक्षा देने वाले थे जयप्रकाश नारायण जी, मेरा ख्याल है आप नाम जानते हो, पता नहीं नए बच्चे नाम जानते हैं कि नहीं, क्योंकि लगता ही है कि काल क्रम में आपके नाम भी भूलने लगता है, गांधी का नाम भी लोग कहीं भूल जाए नहीं जानते हैं। जयप्रकाश नारायण जी एक बहुत ही बड़ी हस्ती थे तो जयप्रकाश जी वहाँ शिक्षा देने के लिए, बाद के दिनों में जयप्रकाश जी और भारत सरकार में संबंध अच्छा नहीं रहा
लेकिन उन दिनों से भारत सरकार से उनका संबंध अच्छा था और वहां जाने पर हम लोगों को मालूम हुआ कि भारत सरकार ने कोई संस्था शुरू की है। उन दिनों इसका नाम था एनएससी, एनएसएस नहीं था, नेशनल सर्विस कोर। इस पेशे से रिलेटेड हूँ, उसमें एचआईवी का कोई ऐसा संक्रमण नहीं है और प्रत्येक व्यक्ति माँ बाप अगर फिजिकल एजुकेशन से बच्चे को कनेक्ट करेगा तो ऐसी संभावनाएं नहीं। मैं बड़ा पॉजिटिव वे पे काम करता हूँ। तो शरीर ही एक आपका माध्यम है आपके सारी क्रियाओं के लिए, तो पॉजिटिव वे में रेगुलर बनाए और स्टडी फुल रहिए। वो ऐसी चीजें समाज में काफी मात्रा पर फिजिकल एजुकेशन में, खेल में जो भी लोग हैं उनमें सबसे बड़ी चीज होती है संयम की क्षमता अच्छी होगी और वो एक अच्छी थिंग्स रखेगा। तो हम जिसे समझने और पढ़ने के लिए यहाँ पर हैं सारे लोग, पूर्व वक्ता डॉक्टर साहब और स्वास्थ्य विभाग से आए लोगों ने आपको अवेयर किया है, तो मैं समझता हूँ सब सारी चीज़ों को आप समझें। और खेल के माध्यम से विवेकानंद ने यह भी कहा था कि अगर किसी को प्राणायाम सीखना है तो पहले फुटबॉल खेलना सीखे। अगर वो फुटबॉल खेलेगा तो श्वास की जो प्रक्रिया है वो स्वतः से रेचक कुंभक की तरह उसका जो फंक्शन है लंग्स का वो हार्ड होगा। होता है तो आपने अगर पढ़ा हो तो उसके ऊपर कुछ पांच उंगलियों के बराबर एक गुच्छे से बने होते हैं होती है और वो लंग्स काफी मजबूत होता है। तो नशे से बचे और उसका सबसे अच्छा साधन है खेल के मैदान पर आना, केवल खेल के मैदान पर आना और केवल खेल खेलना, अच्छा खाना और अच्छे विचारों के साथ। धन्यवाद।